हेलो एंड वेलकम एवरीवन मैं धीरज यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर तो अगर हम बात करें आज के सेशन की तो सी जी पी क्रैश कोर्स के तहत आज हम लोग यहां पे रीजनिंग सेक्शन में एमसीक्यू का पार्ट टू डिस्कस करेंगे अगर इससे पहले की हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन डिस्कस किया और आज भी आप लोगों को क्या करना है प्रीवियस सेशन की तरह ही कमेंट करके बताना है कि पूछे गए प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही आए क्लियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है फटाफट से सभी को क्या करना है मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें पे क्वेश्चन की तो बोला है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज विजडम इज एज एच आई डी ई सी ई ठीक है यानी कि अगर हम बात करें आज के सेशन की तो प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा सा आपको अप देखने को मिलेगा पूछे गए क्वेश्चंस का तो अगर हम बात करें यहां पे विजडम के लिए जो कोड आपको दिया गया तो सबसे पहले हम यहां पे अप्रोच की बात अगर करें तो हम लोग क्या करते थे सबसे पहले लिखेंगे वर्ड विजडम चलिए विजडम की अगर हम बात करें तो विजडम को क्या लिखा जा रहा है एच आई डीई क्लियर अगर हम बात करें इनकी प्लेस वैल्यू की तो ये हो जाएगा तेईस ये हो जाएगा नौ ये हो जाएगा उन्नीस ये हो जाएगा चार ये हो जाएगा पंद्रह और ये हो जाएगा तेरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो आठ नौ चार पांच तीन और पांच क्लियर ये होगा इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान अब अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो सामने सामने अगर हम लॉजिक सबसे पहले देखें तो तेईस और आठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पंद्रह का डिफरेंस दिखाई दे रहा है फिर यहाँ पे जीरो का डिफरेंस और यहाँ पे आपको पंद्रह का डिफरेंस एस और डी के बीच में यहाँ पे आपको एक का डिफरेंस फिर यहाँ पे आपको बारह का डिफरेंस और यहाँ पे आपको आठ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है यानी कि अगर हम इनके डिफरेंस के बेसिस पे जाएंगे तो कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस यानी कि प्लस माइनस का भी एक तो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो डिफरेंस में नंबर मिल रहे हैं यानी कि पंद्रह जीरो पंद्रह फिर एक फिर उसके बाद में आपको बारह फिर आठ ये अभी ये भी आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे केसेस में मैंने आप लोगों को सिखाया कि हमें क्या फॉलो करने होते हैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करने होते हैं या फिर आपको वेरियस अलग अलग लॉजिक्स भी मैंने बताए हैं जैसे कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम यानी कि हमें क्या करना है लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम और उन, आ, उसके बाद जो भी आपका सम आ रहा है उस पर्टिकुलर नंबर पे आने वाले लेटर को हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं तो ऐसे वेरियस लॉजिक्स के साथ में हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पे पैटर्न की तो फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट से हो सकता था अगर हम डब्ल्यू से बात करें ई e की तो यानी कि डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी और प्लस वन करेंगे तो मिल जाएगा ई e, आई की बात करें तो आई का अपोजिट होता है आर प्लस वन करेंगे तो मिलना चाहिए था एस जो कि मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे पैटर्न की तो अगर हम इसको क्या करें इस प्रकार से चेंज करें और क्यों हम इसको पिक कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आई था और आपको आई ही दिखाई दे रहा है अगर हम आई की बात करें तो आई दिखाई दे रहा है और आई के अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें तो आई का अपोजिट लेटर होता है आर और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है अट्ठारह और आठ और एक को जोड़ेंगे तो नौ मिल जाएगा यहाँ पे जिन भी लेटर्स के अपोजिट लेटर एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर के हैं वो लेटर्स आपको एज इट इज दिखाई देंगे जैसे अगर हम बात करें एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है एच आपका एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो यहाँ पे आपको एच एज इट इज दिखाई दे रहा है यानी कि इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो यहाँ पे डी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है जबकि आई की बात करें तो आई का अपोजिट होता है आर और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होती है अट्ठारह होती है और दोनों का सम आ जाएगा नौ जो कि आई की भी प्लेस वैल्यू होती है तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं कि सीधे सीधे आपको अपोजिट लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जबकि हम बात करें सेकेंड हाफ की तो एम का अपोजिट होता है एन एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है फोर्टीन तो फोर प्लस वन करोगे तो कितना मिलेगा फाइव और फाइव प्लेस वैल्यू किसकी होती है e ई की तो आपको हाँ पे ई e बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओ का अपोजिट लेटर होता है एल एल की प्लेस वैल्यू होती है कितनी बारह तो दो और एक को जोड़ोगे तो तीन और तीन किसकी प्लेस वैल्यू होती है सी की क्लियर और डी की बात करें तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है तेईस तीन और दो को मिलाओगे तो पांच पांच किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो ई e की क्लियर तो लॉजिक क्या है यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अपोजिट लेटर और साथ ही साथ आपको ये पैटर्न भी देखने को मिल रहा है यानी कि विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग ठीक है और साथ ही साथ आपको ये पैटर्न भी देखने को मिल रहा है पूछे गए शब्द की अगर हम बात करें तो फ्रेंड के लिए हमें बताना है तो so फ्रेंड में भी हम क्या करेंगे पहले तो पैटर्न को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम लॉजिक को फॉलो करेंगे लॉजिक क्या था अपोजिट लेटर्स के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का सम यानी कि विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग तो आई का अपोजिट होता है आर और आर के प्लेस वैल्यू होती है अट्ठारह यानी कि आठ और एक नौ आर का अपोजिट होता है आई तो आई एज इट इज आपको दिखाई देगा यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ के अपोजिट लेटर की बात करें तो होता है यू यू की प्लेस वैल्यू होती है इक्कीस तो दो और एक मिलाओगे तो कितना हो जाएगा तीन आप इसको वेरीफाई भी, e तो 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 भी कर सकते हैं ई का अपोजिट लेटर वी वी की प्लेस वैल्यू ट्वेंटी टू तो टू प्लस टू हो जाएगा फोर डी का अपोजिट डब्ल्यू डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू ट्वेंटी थ्री तो टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव एन का अपोजिट एन तो प्लेस वैल्यू थर्टीन और थ्री प्लस वन करोगे तो हो जाएगा फोर यानी कि डी तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्लियर तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आपका बेस्ड है कैलेंडर पे फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे पूछे गए प्रश्न का आंसर करेंगे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल बी ऑन सेवनटीन अगस्त 2032। यानी कि 2032 की 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सेंचुरीज कितनी कंप्लीट हुई है तो सेंचुरी आपकी कंप्लीट हो गई है कितनी 2000 और 2000 का रिमाइंडर हमें पता है कितना मिल जाएगा जीरो रिमाइंडर हम एक साइड लिखते चल रहे हैं दो का रिमाइंडर मिल जाएगा जीरो फिर हम बात करेंगे ईयर कितने कंप्लीट हुए तो ईयर कंप्लीट हुए आपके थर्टी तो 31 तो यहाँ पे होगा ही होगा प्लस क्या होगा 31 में पड़ने वाले लीप ईयर तो इकतीस सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे तो इकतीस सालों में आपके पड़ेंगे सात लीप ईयर यानी कि सेवन फोर हजार ट्वेंटी एट फिर हम आ जाते हैं किस पे ईयर ट्वेंटी थर्टी टू पर यानी कि दो हजार बत्तीस की अगर हम बात करें तो दो हजार बत्तीस की जनवरी का रिमाइंडर मिलेगा तीन फरवरी का रिमाइंडर मिलेगा एक क्योंकि बत्तीस क्या है आपका एक लीप ईयर है फिर जनवरी हो गया फरवरी हो गया मार्च हो गया अप्रैल हो गया मई हो गया जून हो गया जुलाई हो गया और अगस्त की तारीख की बात करें तो कितनी सत्रह तारीख अब या तो सबको जोड़ के क्या करो सेवन से डिवाइड कर लो या जो जो आपका कटता जा रहा है उसको सेवन से आप काटते जाओ थर्टी वन की बात करें तो 28 निकल जाएगा बचेगा कितना तीन तो तीन तीन छत कैंसिल ये भी वाला सात कैंसिल फिर बात करें तीन दो पांच दो सात कैंसिल सत्रह की बात करें तो बचेगा तीन यानी कि तीन तीन छह तीन नौ यानी बचा आपका कितना दो रिमाइंडर कितना बचा दो और दो की बात करें तो दिन कौन सा हो जाएगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार क्लियर बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है और अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो आपका कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से आपको यहां पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अप्रोच की बात करें तो अप्रोच हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है करना क्या था यहाँ पे प्लस का मतलब आपको बस देखना क्या होता है रीजनिंग सेक्शन में अगर हम बात करें कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से दिया गया है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सेकंड पर्सन का रिलेशन फर्स्ट पर्सन से दिया गया है ठीक है तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए प्लस बी मीन्स क्या दिया गया ए इज द ब्रदर ऑफ बी यानी कि प्लस का मतलब क्या हो गया ब्रदर प्लस का मतलब हो गया ब्रदर फिर उसके बाद आपको माइनस का मतलब क्या दिया गया सिस्टर इसके बाद आपको दिया गया मल्टीप्लाई का मतलब फादर क्लियर पिता और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सिस्टर ऑफ एम आपको बताना इसमें से कि सी क्या है सी इज द सॉरी सी इज द सन ऑफ एम यानी कि सी क्या है एम का बेटा है आपको बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में से कौन से वाले क्वेश्चन में सी क्या है एम का बेटा है तो हम लास्ट ऑप्शन से यहां पे अगर शुरुआत करें तो देखो प्लस का मतलब क्या दिया गया प्लस का मतलब ब्रदर यानी कि यहां पर यह हो गया मेल सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सी अगर एम का बेटा है तो सी मस्ट बी अ मेल ठीक है यानी कि सी के आगे अगर कहीं पे माइनस आपको दिखाई देता तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते तो यहां पे हो गया ये सी क्या हो गया सन हो गया यानी कि बेटा हो गया फिर माइनस की बात करें तो ये इनकी हो गई सिस्टर यानी कि ये हो गया सन ये हो गई सिस्टर और ये सिस्टर का हो गया पिता यानी कि फादर सिस्टर का हो गया पिता यानी कि फादर और अगर हम यहाँ पे बात करें पूछा क्या था तो आपसे पूछा था सी क्या हो जाए एम का बेटा हो जाए तो देखिए सी क्या है एफ का बेटा है और एन क्या है सी की बहन है और यहाँ पे एम क्या है एन का पिता है यानी कि एम अगर एन का पिता है और सी क्या एन क्या है सी की बहन है तो अभी सी बात एम सी का भी क्या होगा पिता होगा और सी की बात करें तो सी क्या है एफ का पुत्र है यानी कि एफ क्या हो जाएगी सी की माता हो जाएगी और यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही सही आपको दर्शा रहा है क्या कि सी इसमें क्या है दी गई इक्वेशन में एम का बेटा है इसको आप फैमिली ट्री से भी बना सकते थे कैसे तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं जैसे अगर हम बात करें C इज सन ऑफ F. तो C क्या है F का बेटा है लेकिन F का जेंडर यहाँ पे क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फिर आपको दिया गया N क्या है C की सिस्टर है तो N C की सिस्टर यानी कि C का जेंडर क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा आगे आपको दिया गया M क्या है N का पिता है तो M हो जाएगा N का फादर M अगर N का फादर हो जाएगा तो F और M डेफिनेटली क्या होंगे मैरिड कपल होंगे और F का जेंडर हो जाएगा फीमेल तो आप इसको स्ट्रक्चर uh, से भी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते थे क्लियर चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगला क्वेश्चन आपका सीरीज पर बेस्ड है तो फटाफट से हम लोग यहां पे क्या करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो दो एक तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह यानी कि जब आपको यहां पे सोलह एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे हम यहां पे चार चार की ग्रुपिंग कर लेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार और एक दो तीन चार अब अगर हम यहां पे बात करें एलिमेंट्स की तो लास्ट एलिमेंट यहां पे भी डी मिल रहा है यहां भी डी मिल रहा है यहां भी डी मिल रहा है इट मीन यहां पे भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल ये ऑप्शन कैंसिल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यही से आप आंसर मार्क कर सकते थे पूरा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं थी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहां पे फिल करें तो क्या जाएगा डी सी डी बी ठीक है यानी कि बी सी डबल डी बी सी डबल डी बी सी डबल डी बी सी डबल डी का आपको एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अगर आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम भी क्या करेंगे बचाएंगे चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका सिलॉग्स पर बेस्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा फटाफट से हम लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन के लिए आ, कंक्लूजन बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहा है तो बोला है सभी रैट क्या है कैट है सभी रैट कैट है। सभी कैट, है सभी कैट सैड है सभी कैट क्या है सैड है फिर बोला जा रहा है कोई कैट मैड नहीं है कोई भी कैट मैड नहीं है तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की तो बोल रहा है कोई मैड रैट नहीं है कोई भी मैड जो है वो रैट नहीं तो घर के जब बड़े मेंबर से झगड़ा होता है तो छोटे मेंबर का ऑब्वियस सी बात है कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता यानी कि ये बात बिल्कुल क्या है सही है कोई मैड क्या नहीं है रैट नहीं है यानी कि पहला कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है नेक्स्ट वन की बात करें तो कुछ मैड सैड नहीं है कुछ मैड क्या नहीं है सैड नहीं यानी कि मैड का कुछ हिस्सा सैड नहीं है तो झगड़ा किससे है छोटे मेंबर से है तो ये पूरा का पूरा एम का पार्ट एस का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कांड से और अगर हम बात करें नेक्स्ट कंक्लूजन की कुछ सैड मैड नहीं है यानी कि सैड का कुछ हिस्सा क्या नहीं है मैड नहीं तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की तो ये sad का क्या है कुछ हिस्सा है और ये जो कुछ हिस्सा है ये मैड का पार्ट नहीं है यानी कि कुछ मैड नहीं है, ये बात क्या है? सही है तो आंसर की बात करें तो केवल एक और तीन क्या करते हैं अनुसरण करते हैं या फिर ओनली वन एंड थ्री फॉलो क्लियर चलिए जिस किसी को भी अगर क्वेश्चन uh, में डाउट है तो आप सिलॉक्स का सेशन देख सकते हैं बात करते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की जो कि आपका मिसिंग नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है तो फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को पहले हल करेंगे और अपने अपने आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करके बताना है कि पूछे गए प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही आए हैं क्लियर चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर सेवन से इलेवन बना लें या फोर इलेवन से 7 बना ले 7, 11 से सेवन बना लें या सेवन इलेवन से फोर बना ले किसी भी तरीके से हम यहाँ पे क्या करें नंबर को फॉर्म कर लेते हैं तो हम उसी लॉजिक से दूसरे वाले क्या करेंगे कॉलम में भी चेक करेंगे या फिर अगर हम रो वाइज बात करें तो फोर और नाइन से सिक्सटी फाइव या नाइन और सिक्सटी फाइव से फोर या फिर नाइन uh, और फोर से सिक्सटी फाइव हो जाएगा या फिर फोर और सिक्सटी फाइव से नाइन बना ले ठीक है तो कैसे भी हम ये नंबर बनाते हैं और बाकी के हम फिर क्या करेंगे रोज में भी अप्लीकेबल करेंगे लॉजिक को तो अगर हम बात करें सेवन फोरजा ट्वेंटी एट आठ दो दस प्लस एक ग्यारह नौ दहा नब्बे नौ जीरो नाइन प्लस जीरो ठीक है नौ हो गया फिर छ नहीं बनेगा ऐसे नहीं बनेगा दूसरा अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें चार पैंसठ चलिए ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं करना है फोर का स्क्वायर होता है आपका कितना सिक्सटीन हम रो वाइज बात कर रहे हैं ठीक है कॉलम वाइज बात नहीं कर रहे हैं फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन और नाइन का स्क्वायर कितना होता है नाइन का स्क्वायर होता है एट्टी वन तो यूनिट डिजिट से ही यहां पे हम चेक कर सकते थे कि एक और छ का डिफरेंस यानी कि यहां पे ग्यारह हो जाएगा ग्यारह में से जब छह घटाओगे तो यूनिट डिजिट बनेगा पांच तो यहां पे देखिए ग्यारह में से अगर छह घटाओगे तो पांच और सात में से एक घटाओगे तो छह यानी कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस जो मिल रहा है वो हमें कितना तो मिल रहा है पैसठ मिल रहा है यानी कि सिक्सटी फाइव मिल रहा है यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो अगर हम बात करें ग्यारह के स्क्वायर की तो होता है एक सौ इक्कीस और नौ के स्क्वायर की बात करें तो होता है इक्यासी और दोनों का डिफरेंस की बात करें तो होता है कितना चालीस यानी कि यहाँ पे भी ये लॉजिक आपका फॉलो होता हुआ हो, दिखाई दे रहा है अब हम बात करेंगे जिसके लिए हमें आंसर करना है यानी कि सात के स्क्वायर की बात करें तो होता है उनचास दस के स्क्वायर की बात करें तो होता है कितना सौ so, और दोनों का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कितना फिफ्टी वन यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा पूछे गए क्वेश्चन के लिए तो लॉजिक थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन अगर आप नंबर ऑफ देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग सेक्शन में जहां पे क्वेश्चन आपसे बना तो बन गया नहीं बना तो आप पूरा टाइम उसी क्वेश्चन पे दे दोगे तो भी वो सॉल्व होने वाला नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस में एक स्ट्रेटजी क्या कहती है स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि हमें क्वेश्चन में कसम खा के नहीं बैठना है कि या तो हम रहेंगे या तो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन रहेगा आप रेस से बाहर हो जाएंगे यानी कि आपको क्या करना है मार्क फॉर रिव्यू कर लेना है यानी कि बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन पे टाइम दीजिए अदरवाइज आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उनमें से ही एक टॉपिक होता है आपका मिसिंग नंबर और कई बार हम बात करें तो नंबर सीरीज में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में अपना बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की कई बार कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है तो आपको करना क्या केवल केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है अपना आप हंड्रेड परसेंट दे जाएंगे बाकी तो फिर बने ना बने वो तो देखने की बात होगी ठीक है आपको क्या करना है ईमानदारी से अपना हंड्रेड परसेंट देना है और उसके बाद डेफिनेटली इतना तो हो जाएगा कि आप आसानी से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे कोई भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली ठीक है अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको बताना था ऑर्ड वन आउट चलिए ऑर्ड वन आउट की बात करें तो 53 की अगर हम बात करें तो 53 आपका कैसा नंबर है तो 53 आपका एक प्राइम नंबर है 63 आपका प्राइम नंबर नहीं है जबकि आपका 71 भी एक प्राइम नंबर है और 79 भी क्या एक प्राइम नंबर है यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप आंसर मार्क कर सकते थे बिना किसी कठिनाई के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा और ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास आप लोगों ने अटेंड करी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑर्डर रैंकिंग से बिल्कुल भली भांति क्या है परिचित हैं यानी कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा डिफरेंट है करना क्या होगा अप्रोच क्या होगा हमारा तो इसको पहले हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं बोला जा रहा है देर आर फोर सेक्शंस इन क्लास सिक्स क्लास सिक्स में चार सेक्शन है कौन कौन से ए हैं यानी कि सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी और सिक्स डी ठीक है अब इन चारों में क्या होंगे कुछ स्टूडेंट्स होंगे यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्कूल की तो यहाँ पे बोला जा रहा है एनुअल रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन हैव बीन अनाउंस यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसका परिणाम घोषित किए गए हैं और अगर हम बात करें यहाँ पे रिया की रिया क्या है कोई एक स्टूडेंट है क्लास सिक्स की रिया की अगर हम बात करें यहां पे तो बोला है रियाज रैंक नाइन्थ सेवेंथ, ट्वेल्थ एंड फोर्टींथ रेस्पेक्टिवली यानी कि सबसे पहले बात करें तो नाइन्थ है फिर है सेवेंथ फिर है आपका ट्वेल्थ और फोर्टींथ तो ये अलग अलग सेक्शन में अगर हम रिया को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो रिया की रैंक ये अलग अलग सेक्शन में आपको दिखाई दे रही है यहां पे आपसे बोला जा रहा है ईच स्टूडेंट गेट डिफरेंट मार्क्स और सभी स्टूडेंट को क्या मिलते हैं अलग अलग अंक मिलते हैं और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रिया इन द क्लास यानी कि कक्षा में रिया की रैंक कितनी है ये आपको बताना है अगर हम बात करें रिया की तो पहले इसको मैंने क्या कहा हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें रिया की रैंक नाइन्थ है तो रिया से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी आठ होगी यहाँ पे रिया की रैंक सेवन है तो यानी कि रिया से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी छ होगी यहाँ पे रिया की रैंक बारह है तो रिया से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी ग्यारह होगी और अगर यहाँ रिया की रैंक फोर्टीन है तो रिया से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी तेरह होगी यानी कि अगर हम बात करें इन बच्चों की तो ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक क्या है रिया से ज्यादा है यानी कि रिया से अधिक है ठीक है यानी कि इनके अंक रिया से क्या है ज़्यादा है तो अगर हम बात करें अंक ज़्यादा है मतलब रैंक वाइज ये क्या होंगे कम होंगे रैंक में अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो कम होंगे यानी कि ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक क्या है रिया से ज़्यादा है तो अगर हम इन बच्चों की बात करें तो आठ बच्चे प्लस छः बच्चे प्लस ग्यारह बच्चे प्लस तेरह बच्चे यानी कि अगर हम बात करें आठ प्लस छः चौदह प्लस ग्यारह पच्चीस और तीन अड़तीस पच्चीस और तीन अट्ठाईस दस अड़तीस ठीक है यानी कि अगर हम रिया की बात करें तो रिया की रैंक क्या है थर्टी नाइन्थ हो जाएगी यानी कि रिया का जो नंबर है वो क्या है अड़तीस बच्चों की अपेक्षा कम है यानी कि इन अड़तीस बच्चों के अंक जो है वो क्या है रिया से ज्यादा है और इसका अगर हम बात करें सबसे आसान तरीके की सबसे आसान तरीका ये था कि सारे को आपको जोड़ देना था और इन सारे में आपको रिया भी यहाँ पे दिखाई दे रही है इन सभी का अगर आप सम करेंगे तो इन सभी का सम आपको मिल जाएगा कितना नौ सात सोलह सोलह बारह अट्ठाईस चार बत्तीस दस बयालीस इन सभी का सम कितना मिल गया बयालीस अब इन बयालीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी रिया आई है यहाँ पे भी रिया आई है यहाँ पे भी रिया आई है और यहाँ पे भी रिया आई यानी कि रिया को हमने चार बार कंसिडर किया यानी कि इसमें से क्या कर देना था अपने को तीन घटा देना था तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को आंसर मिल जाएगा थर्टी Nine, यानि कि रिया की रैंक कितनी हो जाएगी थर्टी नाइन हो जाएगी अब इसी पर बेस्ड हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा 424 यानि कि एक किसी बच्चे को कितने मिले है आउट ऑफ फाइव हंड्रेड एंड गॉट फोर्टी थर्ड रैंक और इसकी रैंक कितनी है फोर्टी थर्ड है रैंक कितनी है फोर्टी थर्ड है यानी कि तिरालीसवे क्या है उसका स्थान है कक्षा में अब अगर हम बात करें यहां पे बोला जा रहा है देन वट इज द पॉसिबल मार्क्स गेंड बाई रिया यानी कि रिया का संभावित यानी कि रिया द्वारा प्राप्त संभावित जो अंक है वो क्या हो जाएगा तो अगर इसकी रैंक कितनी है फोर्टी थर्ड है तो यानी कि रिया की रैंक कितनी है थर्टी नाइन तो इसके पहले आएगा फोर्टी टू फोर्टी वन फोर्टी और फिर थर्टी नाइन यानि कि इससे पहले कम से कम कितने बच्चे आएंगे तीन बच्चे आएंगे जिनका नंबर क्या होगा 424 से ज्यादा होगा और यहाँ पे बोला गया था आपका ईच स्टूडेंट गेट्स डिफरेंट मार्क्स नॉट इन डेसिमल तो कम से कम 24 प्लस तीन करोगे 27। तो 27 तक तो रिया का नंबर संभव नहीं है 27 के ऊपर जो भी हमें नंबर दिखाई देगा तो 27 के ऊपर हमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर कौन सा है तो 27 के ऊपर हमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है कौन सा चार सौ तीस यानी कि रिया के लिए संभावित जो प्राप्तांक है वो क्या हो जाएगा चार सौ तीस ठीक है बात कर लेते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्यू एस का रिलेशन जिस प्रकार एच और जे से उसी प्रकार आपको बताना है डब्ल्यू और वाई का रिलेशन किससे होगा दिए गए ऑप्शन में तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्यू की तो क्यू का अपोजिट लेटर होता है जे जंगल क्वीन और S का अपोजिट लेटर होता है एच यानी कि हनी सिंह ठीक है तो उसी प्रकार अगर हम बात करें डब्ल्यू के अपोजिट लेटर की तो डब्ल्यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और वाई के अपोजिट तो लेटर की, की बात करें तो वाई का अपोजिट लेटर हो जाएगा बी यानी कि बी और डी की बात करें तो बी और डी यहाँ पे पॉसिबल आंसर हो सकता था लेकिन किसी भी विकल्प में आपको बी और डी ऑप्शन के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे तो क्या हम क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे क्वेश्चन को गलत कह देंगे तो भाई साहब कई बार आप लोग इसी चक्कर में कन्फ्यूज़ होते हो क्योंकि आपके क्वेश्चन के लिए क्या होते हैं मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं आपके दिमाग में जो लॉजिक आया आपने उसी बेसिस पे आंसर कर दिया और कई बार आपके ऑप्शन में ही मल्टीपल लॉजिक से आने वाले मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और इसी बात पे क्या होता है बाद में आयोग को क्वेश्चंस को विलोपित भी करना पड़ता है ठीक है तो अगर इस लॉजिक से यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देंगे नहीं यहाँ पे दूसरा लॉजिक भी हो सकता है तो दूसरे अगर हम लॉजिक की बात करें तो देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है <coughs> सॉरी अगर हम बात करें यहाँ पे क्योंकि तो क्यू की सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो कितना होता है सेवनटीन होता है और क्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है तो होता है जे जे की प्लेस वैल्यू होती है टेन अब किसी भी तरीके से हम क्या बना ले एच बना ले तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सात प्लस एक करोगे यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू की डिजिट्स का सम करोगे तो कितना आ रहा है आठ आ रहा है और आठ किसकी प्लेस वैल्यू होती? तो होती है तो आठ होती है एच की प्लेस वैल्यू एस की अगर हम बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है उन्नीस यानी कि नौ प्लस एक करोगे तो कितना आ जाएगा दस आ जाएगा और दस किसकी प्लेस वैल्यू होती है जे की यानी कि यहाँ पे एच और जे बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब अगर हम बात करें डब्ल्यू की तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तेईस यानी कि ट्वेंटी थ्री तीन और दो करोगे तो पांच यानी कि बन जाएगा ई e, और ई e आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है लेकिन हम नेक्स्ट वाला लेटर भी चेक करेंगे तो वाई की प्लेस वैल्यू होती है पच्चीस पांच और दो करोगे तो सात और सात प्लेस वैल्यू होती है किसकी जी की यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूछे गए प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले में आपको बताना है फाइंड द मिसिंग टर्म तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस की बात करें तो 12 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है 24 का 36 और बासठ के बीच में कितने का डिफरेंस है 26 का बासठ और छियासी के बीच में कितने का डिफरेंस है तो हो जाएगा आपका चौबीस का यानी कि अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यहां पे चौबीस से छब्बीस छब्बीस से चौबीस अब फिर कितने का हो जाएगा छब्बीस का डिफरेंस हो जाएगा तो छियासी में छब्बीस जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा छियासी में बीस जोड़ोगे एक सौ छह प्लस छह जोड़ोगे तो एक सौ बारह यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आप इसको आसानी से बना सकते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की टाइम टेकन बाय द आर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक टू कवर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 140 फोर्टी डिग्री इज यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा 140 डिग्री का कोण तय करने में लिया गया समय तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें पता है कि जो आपका आवर हैंड है वो क्या करता है एक मिनट में आधा डिग्री चलता है तो अब सी बात है चल कितना रहा है एक डिग्री तो समय कितना लगेगा कि इसका जस्ट डबल यानी कि दो मिनट 280 मिनट की बात करें तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पे आवर के टर्म में आपको दिया होता ऑप्शन तो चार घंटे और 40 मिनट यानी कि छह चौको 24 चार घंटे और 40 मिनट भी आपको विकल्प दिया हुआ हो सकता था क्लियर तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन इसके बारे में मैंने क्लॉक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दीवार है मिट्टी है इसको रिमूव कर लेते हैं भाई चलिए दीवार है मिट्टी है मकान है कमरा है और ईटे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा तो सबसे पहले होगा यहाँ पे मिट्टी मिट्टी से क्या बनती है मिट्टी से बनती है ईटे और ईंटों से क्या बनेगा ईंटों से बनेगा दीवार और दीवारों से मिलकर बनता है कमरा और कमरों से मिल के बनता है मकान या फिर आपका घर तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मिट्टी यानी कि सबसे पहले आ जाएगा नंबर no. टू यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल अब अगर नहीं पता तो हमें पता है कि दीवार के बाद क्या आएगा कमरा आएगा यानी कि कमरा दीवार से पहले तो नहीं दिया गया तो यहाँ पे आपको कमरा क्या दिया गया दीवार से पहले दिया गया तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका मिट्टी फिर आ जाएगा आपका ईंटे फिर आपका आ जाएगा दीवार फिर आपका आ जाएगा कमरा और मकान तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मिल जाते हैं लास्ट सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि आपको कुछ क्या अगर वर्ड्स के बारे में पता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा वर्ड बाद में आएगा तो उसके बेसिस पे आपके ऑप्शंस भी क्या हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्मड यानी कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पे वोवेल्स की तो वोवेल आपके कौन कौन से मिसिंग है तो एक तो आपका यू मिसिंग है और एक आपका आई मिसिंग है तो आई के साथ देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन कैंसिल बी वाला ऑप्शन कैंसिल सी वाला ऑप्शन कैंसिल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो सबसे पहले एलिमिनेशन किस पे करेंगे हम लोग वॉवल पे बेस्ड क्या करेंगे हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को और उसके बाद जो वॉवल्स यानी कि यहां पे अवेलेबल नहीं थे उन वॉवल्स को लेकर हम वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते और अगर वॉवेल से एलिमिनेशन नहीं होता तब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की यानी कि कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं वर्ड रीजनेबल की अगर हम बात करें तो और उनसे वो वर्ड नहीं फॉर्म किया जा सकते जो आपको यहां पे लेटर्स नहीं दिखाई देंगे ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड गणितीय संक्रियाएं चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिया है मल्टीप्लाई मतलब क्या है माइनस है मल्टीप्लाई का मतलब माइनस डिवाइडेड बाई का मतलब प्लस फिर उसके बाद दिया गया प्लस का मतलब डिवाइडेड बाई और फिर आपको दिया गया माइनस का मतलब मल्टीप्लाई ठीक है ऑप्शंस की बात करें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोर्ड मॉस का रूल फॉलो करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले किसको डिवीजन को और डिवीजन का साइन लगाने से हमें जो नंबर मिल रहा है वो एक होल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो अगर यहाँ पे बात करें प्लस तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई क्या करोगे सिक्सटीन करोगे तो एक होल नंबर नहीं मिलेगा लेकिन ये भी देखना है कि उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो क्या वो एक होल नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डिवाइडेड बाय किसका मतलब है तो डिवाइडेड बाय मतलब है किसका प्लस का प्लस का मतलब क्या है डिवाइडेड बाय है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस यानी कि ट्वेंटी डिवाइडेड बाय अगर हम क्या करेंगे सिक्सटीन करेंगे तो वैल्यू एक हमको होल नंबर नहीं मिलेगा लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो रहा हो है माइनस हो रहा है यहाँ पे माइनस रखोगे तो भी आपको एक होल वैल्यू बनती हुई दिखाई नहीं देगी यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका एलिमिनेट फिर हम बात करें यहाँ पे प्लस यानी कि थ्री डिवाइडेड बाई फाइव करोगे तो वैल्यू एक होल नंबर नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस का मतलब क्या हो रहा है माइनस का मतलब हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन मल्टीप्लाइड बाई थ्री और डिवाइडेड बाई फाइव तो यहाँ यानी कि इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको एक होल नंबर मिलेगा ठीक है यानी कि इस ऑप्शन को हमें क्या कर लेना है इस ऑप्शन को हमें चेक कर लेना है एक तरीका दूसरा तरीका क्या है कि आप बाकी के ऑप्शंस को चेक करिए अगर नहीं आ, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा तीस बटे पाँच यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी आपको छः यहाँ तक की वैल्यू अगर हम बात करें इतनी वैल्यू की तो ये वैल्यू मिल गई आपको कितना छः डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है तो डिवाइडेड बाई का मतलब है प्लस यानी कि एट प्लस सिक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस यानी कि माइनस सिक्स तो प्लस का सिक्स और माइनस का सिक्स हो गया कैंसिल बचा कितना यानी कि ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है एक तरीका तो ये था दूसरा तरीका क्या था कि बाकी के ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे यानी कि यहाँ पे डिवाइडेड करोगे तो वैल्यू होल डिजिट में नहीं मिलेगी और यहां पे भी मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसी प्रकार यहाँ पे टेन डिवाइडेड बाई थ्री करोगे तो वैल्यू होल डिजिट नहीं मिलेगी और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई होकर होल डिजिट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के चलिए अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो फटाफट से क्या कर लेना है अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बोला है मोहन इज फेसिंग साउथ तो मोहन का फेस कहा है साउथ में है मोहन इज फेसिंग साउथ ठीक है आगे के इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो बोला ही टर्न्स राइट यानी कि अभी वो राइट right मुड़ गया किसी बंदे का फेस साउथ है जब वो राइट right मुड़ेगा तो फेस कहाँ हो जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा ठीक है फेस कहाँ हो जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट तो जब वो राइट मुड़ा तो उसके बाद बोला है ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर यानी कि राइट मुड़ा तो उसका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा टूवर्ड वेस्ट होगा और कितना चलता है 20 मीटर चलता है देन ही टर्न्स राइट राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर फिर से वो मुड़ता है और कितना चलता है फिर से वो अपने दाहिनी और मुड़ता है और चलता है कितना टेन मीटर आगे आपको बोला जा रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और दस मीटर चलता है वो क्या करता है बाएं मुड़ता है और दस मीटर चलता है तो लेफ्ट मुड़ गया कितना चला दस मीटर चला और उसके बाद आपको बोला जा रहा है और अब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है अब दाएं मुड़कर कितना चलता है 20 मीटर चलता है तो राइट मुड़कर 20 मीटर आगे की बात करें तो बोला जा रहा है अंततः वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है फिर से वो क्या करता है राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है तो ध्यान दो ये वाला अगर पॉइंट यहां से यहां तक दस है तो यानी कि यहां से यहां तक भी कितना होगा दस होगा और यहां से लेकर के यहां तक बीस है तो यहां से यहां तक लेकर के भी कितना होगा बीस होगा यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहां होंगे सीधी रेखा में होंगे और अगर बात करें इस डिस्टेंस की तो कितना हो जाएगा तीस मीटर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है आपसे आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो आरंभिक बिंदु पर अगर आप मैप बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका क्या नॉर्थ यानी कि उत्तर क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अगर आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेशन अटेंड किया है तो आपको कोई भी कठिनाई यहां पे नहीं होगी क्वेश्चन को बनाने में अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अगर हम बात करेंगे यहां पर आपको रिलेशन किनके किन के बीच बताना है तो करेंसी बहत और नैपीड चलो तो अगर हम बात करें नेपिडा की तो ये क्या है आपका म्यांमार की कैपिटल है म्यांमार की क्या है ये कैपिटल है और अगर हम बात करें भारत की तो ये क्या है थाईलैंड की करेंसी है ये क्या है थाईलैंड की करेंसी है और अगर हम बात करें यहाँ पे म्यांमार तो के करेंसी की तो म्यांमार की करेंसी आई गेस क्या है यानी कि ये सब कुछ आपके क्या है कुछ स्टैटिकल जीके पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका स्टैटिक पोर्शन अगर बेहतर तरीके से तैयार है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं अगर हम बात करें मुद्रा की तो मुद्रा क्या हो जाएगी बहुत क्या हो जाएगी मुद्रा हो जाएगी कि मुद्रा किसके अंदर आएगा मुद्रा के अंदर क्या आ जाएगा बहत आ जाएगा जबकि हम बात करेंगे की क्या हो जाएगा ये आपका कैपिटल है यानी कि ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अगला क्वेश्चन आपका डाइस पर बेस्ड है यानी कि पासे से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि किसके अपोजिट सरफेस के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लस के अपोजिट सरफेस कौन सा होगा तो अगर हम बात करें फिगर वन और फिगर टू की तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो प्लस और स्टार कॉमन है यानी कि ऐट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा डॉलर ऐट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा डॉलर जबकि हम प्लस और स्टार का अपोजिट नहीं बता सकते फिर अगर हम बात करें यहां पे टू और थ्री की टू और थ्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस और डॉलर यानी कि स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा परसेंटेज स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा परसेंटेज जबकि अगर हम बात करें वन और थ्री की तो वन और थ्री में आपको केवल और केवल क्या कॉमन दिखाई दे रहा प्लस कॉमन दिखाई दे रहा है यानी कि प्लस से जवाब जाओगे क्लॉक वाइज तो मिलेगा परसेंटेज और प्लस से जाओगे क्लॉक वाइज तो मिलेगा स्टार यानी कि परसेंटेज का अपोजिट हो गया स्टार और फिर आगे बढ़ोगे तो मिलेगा एट द रेट और यहाँ पे मिलेगा आपको डॉलर यानी कि एट द रेट का अपोजिट क्या हो गया डॉलर और अगर हम बात करें प्लस की तो प्लस का अपोजिट वह सरफेस होगा जो दी गई स्थितियों के किसी भी सतह पर दर्शाई नहीं गई है और अगर हम बात करें ऐसे यहाँ पे सिंबल की तो आपका एक ही दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैश इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे यानी कि प्लस का अपोजिट एट द रेट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि एट द रेट अपोजिट है किसका डॉलर का प्लस का अपोजिट प्लस नहीं होगा प्लस का परसेंटेज नहीं होगा तो बचता है आपका एक ही विकल्प जो कि क्या हो जाएगा हैश ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहा है फटाफट से यहां पे हम लोग काउंटिंग करेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए तो पहले हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको यहाँ पे गिनना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ग्रीन कलर बनने वाले स्ट्रक्चर की केवल आपको इस ग्रीन कलर से बनने वाले स्ट्रक्चर में बताने हैं कि कितने ट्रायंगल हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक दो तीन चार चार भागों में विभाजित है ग्रीन कलर से बनने वाला स्ट्रक्चर तो यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी आठ हो जाएगी इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अब हम बात करेंगे यहाँ पे अतिरिक्त बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की तो अब मैं जिन आकृति को यहाँ पे चलो इस कलर से अब आप इस आकृति के बारे में बताएंगे यहाँ पे कितने आपको अतिरिक्त त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार यहाँ पे आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे और इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे यानी कि आठ के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बारह त्रिभुज और बनेंगे यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जबकि जो एरिया में हमने बात करी अभी तक हमने यहां पे काउंट नहीं किया इस एरिया में यहां पे आपको कोई भी ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आप क्लियरली देख सकते हैं तो यहां पे आपको कोई भी ट्राइंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा सिंपली बात करें तो ये किस प्रकार की आकृति थी और यहाँ पे आपको कोई भी त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं देगा क्लियर तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बीस यानी कि ट्वेंटी बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है चलिए तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ भी है यानी कि इस हिस्से की बात करें तो यहां पे एक हम क्या लगाएंगे मिरर लगाएंगे एक मिरर हम इस हिस्से में लगाएंगे तो इसका नीचे में क्या बनेगा आपका वाटर इमेज बनेगा एक मिरर हम इस हिस्से में लगाएंगे तो ऊपर में भी क्या बनेगा वाटर इमेज बनेगा यानी कि ये ऐसा ही हो जाएगा ये ऐसा ही हो जाएगा और ट्रायंगल क्या बनेगा यहाँ पे उल्टा बनेगा और ऊपर भी ट्रायंगल आपका कैसा बनेगा उल्टा ही बनेगा और फिर यहाँ पे आप मिरर लगाओगे तो इस हिस्से में क्या बनेगा इसका मिरर इमेज बनेगा यानी कि इसको ओपन करोगे तो मिरर इमेज बनेगा एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो आपका उल्टा ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिमिनेट क्योंकि तीनों में सीधा ट्रायंगल बन रहा है ऑप्शन भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट क्योंकि तीनों में क्या बन रहा है सीधा ट्राइंगल बन रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बेसिस पे हम इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी पूछे गए प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका पजल पर बेस्ड क्वेश्चन है और पजल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको इन्फॉर्मेशन लिखते हुए चलना है जो आपको पहले सबसे पहले तो क्या करना है कि स्ट्रक्चर बना लेना है तो पजल जिस प्रकार की होगी उसके अनुसार हमें क्या करना होगा कि स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना लेना होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे पजल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो इसका आपका हिंदी में भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है हिंदी से भी आप बना सकते हैं चलिए हिंदी से ही बना देते हैं क्योंकि लास्ट जब हमने सेशन लिया था तो वहाँ पे इंग्लिश से मैंने क्वेश्चन को हल किया था तो कई बच्चों को शिकायत हो सकती है तो इस बार हम हिंदी में बना देते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें सात व्यक्ति ई e और एफ ने सोमवार से रविवार तक सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक परीक्षा दी लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए और सबके मार्क्स भी क्या है अलग अलग है ठीक है फिर बोला है सबसे पहले देखो अब ये तो हो गया हमारे पास इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें अगर हम फिक्स क्या है तो इसमें फिक्स है आपके दिन यानी कि दिन यहाँ पे क्या है आपके फिक्स है तो दिनों की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा चलिए तो दिनों की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मंडे ये हो जाएगा आपका ट्यूजडे ये हो जाएगा आपका वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे यानी कि ये हो गए आपके सात दिन सात दिन हो गए फिक्स चलिए अब एक तरफ हम लिखेंगे यहां पे क्या नंबर और एक तरफ हम लिखेंगे यहां पे क्या पर्सन तो पर्सन के लिए हम बना लेते हैं दो पॉसिबिलिटी और नंबर के लिए भी हम बना लेते हैं दो पॉसिबिलिटी यह बन गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पे हम लिखेंगे प्राप्त अंक यानी कि नंबर और यहां पे हम लिखेंगे पर्सन यानी कि व्यक्ति तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार है अब इसी में हम लोग क्या करेंगे यहां फिल अप करेंगे डाटा बात करें तो बोला जा रहा सी ने बुधवार को परीक्षा दी यानी कि सी ने क्या किया वेंसडे को पेपर दिया यानी कि यहां पे हम भर देंगे सी दिखाई नहीं दे रहा होगा लिख लेते हैं इसको हम लोग ब्लैक से बुधवार को हो जाएगा सी सी ने बुधवार को परीक्षा दी और उसके द्वारा प्राप्त एक विषम संख्या है यानी कि सी के द्वारा जो प्राप्तांक है वो क्या है एक ऑड नंबर है तो जो इंफॉर्मेशन नहीं फुलफिल हो रही इसको हम लोग अलग से यहां पे लिख लेंगे आगे बोला जा रहा है शुक्रवार को परीक्षा देने वाले ने चार अंक प्राप्त किए तो शुक्रवार को जिसने परीक्षा दी उसके नंबर कितने हैं तो उसके नंबर है चार आगे की बात करें तो गुरुवार से पहले कुल मिलाकर केवल 24 अंक ही प्राप्त हुए यानी कि अगर हम बात करें मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे बराबर कितना हो रहा है 24 हो रहा है तो इसको भी हमने अलग से यहाँ पे लिख लिया आगे की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें सप्ताह के पहले चार दिनों में परीक्षा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंक तीन के गुणक है यानी कि अगर हम बात करें यहां पे पहले चार दिनों में अच्छा सॉरी यहां पे आपका बोला गया था गुरुवार से पहले ठीक है गुरुवार से पहले यानी कि ये प्लस भी हटेगा यहां से मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा अपने को चौबीस के यानी कि ट्वेंटी फोर के ठीक है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले सप्ताह के पहले चार दिनों में परीक्षा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंक तीन के गुणक हैं यानी कि अगर हम बात करें चाहे वो मंडे हो चाहे वो आपका ट्यूजडे हो चाहे वो वेंसडे हो चाहे वो आपका थर्सडे हो जो वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी थ्री में मिलेगी ठीक है तीन के गुणक हैं इसके अलावा अगर हम बात करें अगली इन्फॉर्मेशन की तो बोला जा रहा है मंगलवार को छह अंक मिले थे यानी कि अगर हम बात करें ट्यूसडे की तो ट्यूसडे को नंबर कितने मिले थे छह अब ट्यूसडे को अगर छह नंबर मिले थे तो अभी सी बात है मंडे प्लस वेंसडे की अगर हम बात करें तो मंडे प्लस वेंसडे की अगर हम बात करें तो बराबर कितना होना चाहिए अट्ठारह के होना चाहिए यानी कि मंडे प्लस वेंसडे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अट्ठारह होनी चाहिए और यहाँ पे आपको बोला गया है कि उनमें से प्रत्येक को अलग अलग अंक मिलते हैं यानी कि सबके नंबर क्या है अलग अलग है चलिए तो मंडे प्लस वेंसडे हम बोल सकते हैं क्योंकि ट्यूसडे को हमें पता चल गया कितने नंबर है छ नंबर है तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे मिला के चौबीस हो रहा था ट्यूसडे का पता चल गया तो मंडे प्लस वेंसडे बराबर कितना हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा और यह भी पता है कि जो वैल्यू आएगी अट्ठारह वो क्या होगी तीन के मल्टीपल में होगी ये भी हमें यहाँ पे ज्ञात है क्योंकि बोला गया है कि मंडे से लेके थर्सडे तक जो भी आ, यहाँ पे लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको सबको थ्री के मल्टीपल में अंक मिलते हैं ठीक है आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे डी ने शनिवार को परीक्षा दी तो डी कब पेपर देता है सैटरडे को पेपर देता है तो बोला जा रहा है डी ने शनिवार को परीक्षा दी और उसने एफ से दो अंक कम प्राप्त किए एफ से दो अंक कम प्राप्त किए यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहां पे लिखने के लिए स्पेस यूज कर ले रहा हूं तो यानी कि एफ से दो अंक कम प्राप्त यानी कि डी प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा एफ डी प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा एफ यानी कि डी ने शनिवार को परीक्षा दी और उसने दो एफ से दो अंक कम प्राप्त की फिर आगे बोला जा रहा है जी ने ए से पहले परीक्षा दी यानी कि जी ने क्या किया ए से पहले परीक्षा दी तो जी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा ए के ऊपर हो जाएगा इमीडिएट अबव अब अब है ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है जी ने ऐसे पहले परीक्षा दी सोमवार को अधिकतम अंक प्राप्त हुए सोमवार को क्या मिले मैक्सिमम मार्क्स मिले मंडे को यहां पे आपको मिले कितने मैक्सिमम मार्क्स जो भी मार्क्स था यहां पे क्या था मैक्सिमम था ठीक है चलिए यानी कि मंडे का अगर डेटा आ गया तो क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा बाकी लोगों के मार्क्स उसके नीचे ही रहने वाले हैं आगे की बात करें तो बोला जा रहा है एफ ने गुरुवार को परीक्षा दी एफ ने किस दिन परीक्षा दी तो एफ ने दिया परीक्षा गुरुवार को इसको भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं एफ ने गुरुवार को परीक्षा दी फिर आगे बोला जा रहा बी ने ई द्वारा प्राप्त अंकों से दोगुने अंक प्राप्त किए बी ने ई द्वारा प्राप्त अंकों से दोगुने अंक प्राप्त किए यानी कि यहां हम कह सकते हैं टू ए। टू बराबर बी यानी कि बी ने ई द्वारा प्राप्त अंकों से दोगुने अंक प्राप्त किए आगे की इंफॉर्मेशन की बात करें तो बोला जा रहा है ई e द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से एक कम है यानी कि अगर हम बात करें ई e प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्लियर अब पजल में मैंने आपको बताया चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो हमें क्या करना होता है एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है जितने डाटा फुलफिल हो रहे हैं उसको फिल करना होता है और जो आपके बच गए उसको हमें नोट करके लिख लेना होता है और यहाँ पे आपका समझ लीजिए 80 परसेंट काम हो गया बस बचा आपका ट्वेंटी परसेंट काम उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे फिल करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम प्लस डब्ल्यू की तो एम प्लस डब्लू में यहाँ पे कौन कौन से नंबर हम रख सकते हैं तो अगर हम नंबर की बात करें तो डिफरेंस हो रहा है अट्ठारह अट्ठारह को हम नौ और नौ से रख नहीं सकते छ और बारह से हम रख नहीं सकते देखिये नौ प्लस नौ मिलकर क्या बनेंगे अट्ठारह बनेंगे छ प्लस तीन के मल्टीपल की अगर हम बात करें छे प्लस बारह मिलकर बनेंगे अट्ठारह नौ प्लस नौ मिलकर बनेंगे अट्ठारह तीन प्लस पंद्रह मिलकर बनेंगे क्या अट्ठारह और किसी तरीके से हम यहाँ पे अट्ठारह नहीं बना सकते थे अगर हम तीन की मल्टीपल की बात करें तो ठीक है छ नहीं रख सकते क्योंकि एक बार छ आ चुका है यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है फिर हम बात करेंगे नौ नौ रख नहीं सकते क्योंकि दोनों एक ही नंबर आ नहीं सकते ये वाला हो गया कैंसिल अब बचा क्या तीन और पंद्रह तो इनमें से किसको तीन देंगे किसको पंद्रह देंगे तो पहले ही बोला गया है कि मंडे को क्या है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम वाला यानी कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा मंडे के लिए हो जाएगा जो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा मंडे यानी कि सोमवार के लिए हो जाएगा तो सोमवार को अंक कितने हो जाएंगे पंद्रह हो जाएंगे और हम बात करें वेंसडे को कितने हो जाएंगे तो वेंसडे को हो जाएंगे तीन अंक अब जब वेंसडे को तीन अंक मिल गए तो बोला था e प्लस वन बराबर कितना c e प्लस वन बराबर c यानी कि e के अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहां से निकल करके आ गया c के नंबर कितने हैं तीन यानी कि e का नंबर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा E का नंबर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और टू ई बराबर बी है यानी कि बी का नंबर कितना हो जाएगा तो बी का नंबर हो जाएगा चार, हो जाएगा? चार।, चार तो जाए बी जाए का नंबर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है अब यहां पे अगर हम बात करें चार तो चार की जगह पे कौन आ जाएगा बी आ जाएगा क्योंकि हमें पता चल गया कि बी का नंबर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा आगे की अगर हम बात करें तो आगे आपको बोला गया था जो उपर, जी जो है वो एफ के ऊपर बैठता है जी कहां बैठता है एफ से ऊपर जी जो है वो ए के ऊपर कहीं पे बैठता है तो अगर हम बात करें ए के लिए तो ए यहां भी हो सकता है और ए यहां हो सकता है ए के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है ए के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है आगे की अगर हम बात करें तो यहां पे बोला था सी एक ऑड नंबर पर बैठता है कोई एक लाइन यहां पे शायद हम लोगों ने मिस करी है देख लेते हैं सी यहां पे क्या करता है एक बढ़ता है बचा अपने पास जी और ए का डाटा यहां पे अच्छा डी प्लस टू बराबर एफ देखो डी प्लस टू बराबर एफ एफ की अगर हम बात करें डी ने शनिवार को परीक्षा दी और एफ से दो अंक कम प्राप्त किए तो डी की बात करें तो एफ से दो अंक कम प्राप्त किए और यहां पे अगर हम बात करें एफ के मार्क्स जो हो रहे हैं वो डी प्लस टू हो रहे हैं ठीक है और आगे की अगर हम बात करें F द्वारा प्राप्त अंक ये वाला डाटा एफ द्वारा प्राप्त अंक क्या है एक सम संख्या यानी कि एफ द्वारा जो नंबर मिला है वो क्या होगा एक ईवन नंबर होगा ठीक है एफ को एक इवन नंबर मिलेगा और हमें पता है कि यहां पे हमारे पास जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे तीन के मल्टीपल में आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं तो मैक्सिमम मार्क्स है यहां पे पंद्रह तो पंद्रह अगर मैक्सिमम मार्क्स है तो तीन हो चुका है छ हो चुका है तो दो नंबर हमारे पास बचते हैं एक बचता है हमारे पास नौ और दूसरा बचता है हमारे पास बारह और एफ को मिलता है क्या एक नंबर 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 यानी कि F के के कितने हो जाएंगे, तो F के हो जाएंगे जाएंगे तो यहाँ पे बारह अब यहाँ पे अगर हम बात करें D प्लस टू बराबर क्या बोला जा रहा है F यानी कि F के मार्क्स अगर 12 है तो D के मार्क्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे D के नंबर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे यहां पे अगर हम बात करें अगले डाटा की तो बचा क्या हमारे पास बचा हमारे पास ए जी और एक बंदा और हमारे पास बचा है कौन ई e. यानी कि ए जी और ई e की बात करें तो ई e के मार्क्स अपने को पता है कितने हैं दो है ई e के मार्क्स अपने को पता है कितने हैं दो है तो यहां पे आ जाएगा कौन आपका ए आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका जी और यहां पे हो जाएगा आपका ई e और ई के मार्क्स कितने हैं दो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं बस जरूरत है तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड होने की आपको डेटा को नोट डाउन करने की और वहां से आपको क्लू मिलते जाएंगे आपको क्या करना है उसको फुलफिल कर लेना है अब अगर हम बात करें इसके आधार पर किसी भी प्रश्न की बात करें तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं जैसे हम बात करें पहले प्रश्न की तो निम्नलिखित में से किसने उच्चतम अंक प्राप्त किए तो आंसर क्या हो जाएगा जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बात करें यदि हम अगले पूछे गए प्रश्न की अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट पर्सन टू टेक द टेस्ट यानी कि अंतिम व्यक्ति कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई क्या है अंतिम व्यक्ति है जिसने टेस्ट अटेम्प्ट किया अगले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो गुरुवार से पहले प्राप्त कुल अंकों और गुरुवार के प्र... बाद प्राप्त कुल अंकों के बीच कितने का अंतर है तो गुरुवार से पहले की अगर हम बात करें तो पंद्रह 6, इक्कीस और तीन चौबीस और गुरुवार के बाद की बात करें तो चार और दस चौदह और प्लस दो सोलह यानी कि सोलह और चौबीस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस कितने का एट का यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ए एंड बी ए और बी के अंकों का योग तो ए को मिले हैं छह बी को मिले हैं चार यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दस ऑप्शन नंबर डी और अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ सी एंड एफ सी और एफ के जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका हम गुणा करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी तो सी की बात करें तो तीन एफ की बात करें तो बारह यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्टी सिक्स क्लियर तो ये था आपका आज का एमसीक्यू का सेशन यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए इन पूछे गए पच्चीस प्रश्नों में से ठीक है सभी को कमेंट करके बताना है और कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपके पास सारे ही टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए ज़रूरत है तो आपके पास डिटेल में भी अवेलेबल है लेकिन अभी जैसे कि एग्ज़ाम का आपका जो टाइम है बिल्कुल क्रोशल टाइम है तो इस टाइम को आप क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे जितनी आपको आवश्यकता है उससे कही कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आपको यहाँ पे वीडियो सेशंस में कंटेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशियंट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं क्लियर ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आपको फोकस्ड होकर के ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करने की क्लियर तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाया होगा सेशन को एंजॉय किया होगा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक like, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हम लोग आने वाले नेक्स्ट कुछ अगर हम बात करें इवेंट्स की तो जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस के एग्जाम्स होने हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं एक प्लान कर रहे हैं जहां पे हम लोग आपके साथ में क्या होंगे दोबारा से इंटरेक्ट होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे और कहीं ना कहीं अपना एक जो स्थान है उसको आप लोग सुनिश्चित करेंगे तो आप लोगों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ मिलते हैं फिर से आज के लिए इतना ही धन्यवाद